हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHR स्टडी क्लासेस। मैं हूँ छवि सोनिया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम SS पेपर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे, 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम सेक्शन सी स्टार्ट करें। इससे प्रीवियस मैंने फर्स्ट पेपर SS का कम्प्लीटली अपलोड कर दिया है, सेकेंड पेपर से सेक्शन ए एंड बी भी अपलोड किया है, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, गुजराती, साइंस, वो सब भी आप चेक कर सकते हैं, जिनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। पूरी प्लेलिस्ट बना दी है लाइन वाइज, एक सीक्वेंस में सारे वीडियोस उसमें अरेंज कर दिए हैं, तो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा प्लेलिस्ट को। स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। 3 मार्कर क्वेश्चन आंसर्स है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको मैं सारे आंसर्स दिखाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि जनरल ऑप्शन के सिवाय यानी सारे आंसर्स एक बार दिखा दूँ। जैसे यहाँ पर आपको लिखा गया NA6, लेकिन मैं सभी के सभी आंसर्स आपको दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस आपकी गाला बुक में दिए गए हैं, सो ये आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो इसकी प्रिपरेशन आपको करनी ही चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, 46 क्वेश्चंस हैं, तो इन सभी 46 यहाँ तक जो नंबर दिए गए हैं 38 से 46, इन सभी के सॉल्यूशंस आज मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो फर्स्ट आंसर 38 आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। एग्ज़ाम अब नज़दीक आ गई है, तो आप अपनी फ्रेंड्स की भी थोड़ी हेल्प कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे ही जो लेटेस्ट वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 38, 39 आंसर आप देख सकते हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो इतनी लेंथ यहाँ पर इनफ रहेगी आंसर्स की। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और ये सारी जो PDFs है वो डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, GMHR स्टडी, जहाँ पर मैं ये सारी PDFs शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर आंसर 40 भी आप देख सकते हैं। आपको पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने हैं, जहाँ पर पॉइंट वाइज दिए गए हैं। प्लीज़ याद रखिएगा, ये फॉर्मेट SS जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें पॉइंट वाइज ही आंसर्स हमेशा लिखने चाहिए आपको। उसके बाद 41 में आपको डिफाइन करना है कुछ टर्म्स। यहाँ पर 3 टर्म आपको दिए गए हैं, इनकी डेफिनेशंस आपको लिखनी है। तो ये 3 मार्कर अगेन ये क्वेश्चन है। आंसर 42 देख लीजिए, कंप्लीट इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा धीरे से स्लाइड कर रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके इजीली। उसके बाद 43 जो क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लीजिए यहाँ पर। हेल्पफुल रह रहा है वीडियो तो कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो हेल्पफुल रहा है, और नेक्स्ट आप कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं, कौन सा सेक्शन, पर्टिकुलर पेपर, आप यहाँ पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि मैं सबसे पहले उसी वीडियो को अपलोड करूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं 44th और उसके बाद 45th। तो अब ये लॉन्ग आंसर्स हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और याद रखिएगा पॉइंट वाइज ही आपको सारे लर्न करने हैं। उसके बाद 46th। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सब दिखा दिए हैं। इसमें से आपको कोई भी 6 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आपको 6 जो भी अच्छे से आते हों वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरफ सारे आंसर्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।